वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाई फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग? आइसक्रीम तो आप सबने बहुत खाई होगी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर वाली। पर आज मैं आपके साथ जो रेसिपी आइसक्रीम की शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इस आइसक्रीम को बनाएंगे हम कॉफ़ी से। इसका नाम है डलगोना कॉफ़ी आइसक्रीम। सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली और एकदम डिफरेंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनाएंगे हम विदाउट इलेक्ट्रॉनिक हैंड बीटर के। झटपट से बन के ये तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर रेसिपी को। तो डलगोना कॉफ़ी आइसक्रीम बनाने के लिए देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 कप पाउडर शुगर। देखिए, अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो ठीक है, नहीं तो आप चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच लिए हैं चीनी और ये हैं 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर आप ले सकते हैं। ये है फ्रेश क्रीम, तो ये आपको इजीली मिल जाएगी किसी भी बेकरी या डेयरी प्रोडक्ट शॉप में। और ये है हमारा विस्कर और ये है हमारा स्पैचुला। तो बस ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ज़रूरत है। और बस अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर कॉफ़ी बनाना। तो बहुत ध्यान से आप रेसिपी को आगे देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, तभी जो है आपकी डलगोना कॉफ़ी आइसक्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। डलगोना आइसक्रीम बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल और इसके अंदर डाल देंगे हम कॉफ़ी पाउडर। तो बहुत ध्यान से आप मेज़रमेंट देखिएगा। बाउल में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर के अंदर डालेंगे हम 3 चम्मच चीनी, बिना पिसी हुई चीनी। चीनी हमें कम ही रखनी है क्योंकि आगे जाके हमें आइसिंग शुगर का यूज़ करना है, यानी चीनी का जो मैंने पाउडर बनाया था उसका। और बस अब हमें इसको फेंटना है। तो यहाँ पर डालेंगे हम पानी और पानी जो डालेंगे वो डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना। तो बस 2 चम्मच हमें सिर्फ पानी डालना है। पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो जो है अच्छे से कॉफ़ी बीट नहीं हो पाएगी, पतला हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो हमें एक फॉर्म जैसा इसका टेक्सचर चाहिए। तो बस अब विस्कर की हेल्प से हम कॉफ़ी को बीट करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम कॉफ़ी को बीट कर रहे हैं वैसे वैसे जो है कॉफ़ी का जो कलर है वो चेंज होता चला जाएगा। तो इस प्रोसेस में आपको टोटल टाइमिंग अगर हम देखें तो लग सकता है 10 मिनट का। तो 10 मिनट में हमारी जो कॉफ़ी है वो परफेक्ट विस्कर की हेल्प से बहुत अच्छे से फिट के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए अब कलर भी थोड़ा सा इसका धीरे धीरे चेंज होने लग गया है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं ये देखिए कॉफ़ी को फेंटते हुए। तो आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी का कलर और टेक्सचर काफ़ी चेंज हो चुका है। जब इस तरीके का कलर और टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाए तो आप फिर इसमें 1/2 टीस्पून पानी डाल दीजिए, बस बहुत थोड़ा सा। और इसके बाद हमें वापस फिर इसी तरीके से कंटिन्यू बीट करते रहना है। ध्यान रखिएगा कि कॉफ़ी को हमें लगातार फेंटते रहना है। तो 3 से 4 मिनट हम कॉफ़ी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू इसी तरीके से बीट कर लेंगे। 4 मिनट का टाइम मुझे और लगा है कॉफ़ी फेंटते हुए, तो टोटल टाइम लिया है मैंने 8 मिनट का। और 8 मिनट में ये देखिए हमारी कॉफ़ी यहाँ पर एकदम बीट होके तैयार है। एकदम आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखिए विस्कर से बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कॉफ़ी हमारी बीट होके एकदम रेडी है। तो बस इससे ज़्यादा हम बीट नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि कॉफ़ी फटाफट से 1 मिनट में मिक्सी में कैसे फेंट सकते हैं बिल्कुल क्रीमी और एकदम झाग वाली कॉफ़ी, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल में, उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस अब इससे ज़्यादा हमें कॉफ़ी नहीं फेंटनी है। तो बस अब इस स्टेज पर डाल देंगे हम फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैंने 1 कप फ्रेश क्रीम ली है। आप किसी भी कंपनी का फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर। तो ये 1/2 कप पाउडर शुगर है और इसको हम ऐड कर देंगे। अगर आप आइसिंग शुगर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और बस अब हमें इस सबको बीट करना है। विस्कर की हेल्प से मैं बीट कर लूँगी। मैंने इसमें सारी चीज़ें वही ऐड की हुई हैं जो इजीली आपको घर में मिल जाए, एक क्रीम को छोड़ के। क्रीम आपको ईजिली
आपके आसपास ही किसी भी बेकरी या फिर आपको किसी भी डेयरी प्रोडक्ट शॉप में मिल जाएगी। और ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको कंटिन्यू बीट करते रहना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हैंड बीटर है तो फटाफट से ये आइसक्रीम बीट हो जाती है, लेकिन अगर हैंड विस्कर से जैसे कि मैं बीट कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम और जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हैंड बीटर से टाइम लगता है बीट करने में आइसक्रीम को। आइसक्रीम बीट करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो बस 5 मिनट तक हम और बीट कर लेंगे और टोटल टाइम हमें लगेगा 10 मिनट का आइसक्रीम को बीट करते हुए। आइसक्रीम को फेंटते हुए मुझे 10 मिनट का टाइम हो चुका है, और 10 मिनट में जो हमारी आइसक्रीम है वो एकदम परफेक्ट बीट होके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि क्रीम में बहुत ही बढ़िया थिकनेस आ चुकी है। इससे ज़्यादा अब हम आइसक्रीम को बीट नहीं करेंगे, और मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम टेक्सचर आया है, फॉर्म जैसा टेक्सचर है, और क्रीमी आइसक्रीम हमारी यहाँ पर एकदम परफेक्ट रेडी है। तो बस अब देर किस बात की है, फटाफट आप इस न्यू ईयर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, तो अब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हैंड बीटर की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से मेरे बताए हुए टिप्स फॉलो करिए तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके की एकदम फॉर्म वाली आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो बस अब हम इससे ज़्यादा आइसक्रीम को और बीट नहीं करेंगे और चलते हैं हम अपने अगले स्टेप्स की तरफ। तो बस हम तैयार आइसक्रीम को फटाफट से डाल देते हैं एयर टाइट कंटेनर में। देखिए, एयर टाइट कंटेनर ही लीजिएगा आइसक्रीम को जमाने के लिए, क्योंकि फ्रीज़र में बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आइसक्रीम के अंदर जम जाते हैं, जिससे आइसक्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और बस फटाफट से हम इस तरीके से कंटेनर के अंदर डाल देते हैं आइसक्रीम को। तो ये देखिए कितनी स्मूथ जो है आइसक्रीम हमारी निकल रही है, और बस इस तरीके से हम सारी आइसक्रीम डब्बे के अंदर डाल देते हैं यहाँ पर। ये तो बना रहे हैं हम यहाँ पर डलगोना कॉफ़ी आइसक्रीम, लेकिन और भी मेरे चैनल में बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपीज़ हैं। अगर आप आइसक्रीम लवर्स हैं तो आप वो रेसिपीज़ जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब मैं थोड़े से चोको चिप्स डालूंगी आइसक्रीम के ऊपर, क्योंकि चोको चिप्स बच्चों की फेवरेट होती है, और जब आइसक्रीम हम लेते हैं तो चोको चिप्स की बाइट आती है मुँह में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है आइसक्रीम। और बस अब हम क्लिंग पेपर से इसको कवर कर लेते हैं, ताकि जो है आइसक्रीम के अंदर कोई भी बर्फ़ की क्रिस्टल ना जाए। अगर थोड़ा सा भी क्रिस्टल चला जाता है बर्फ़ का, तो उससे क्या होता है, आइसक्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस इस तरीके से हम क्लिंग पेपर से अच्छे से रैप कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसे कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद कम से कम 8 घंटे के लिए इसको हमें डीप फ्रीज़र में रखना है, ताकि आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि विंटर टाइम है। तो विंटर टाइम में 8 घंटे में बहुत अच्छे से आइसक्रीम सेट हो जाएगी। तो चलते हैं इसको और फ्रिज में रख देते हैं। तो 8 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम मैंने फ्रिज से निकाल ली है, और ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। देखिए, आइसक्रीम विंटर है तो 8 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हुई है। अगर समर है तो कम से कम 10 से 12 घंटे चाहिए होते हैं आइसक्रीम को सेट होने में, अगर एकदम परफेक्ट आइसक्रीम हमें जमानी है तो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम सेट हुई है। और अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेते हैं एक सुंदर से आइसक्रीम कप में। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारी डलगोना कॉफ़ी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है इस आइसक्रीम का, क्योंकि इसमें कॉफ़ी का जो फ्लेवर आता है ना क्रीम के साथ मिक्स होके, वो तो बहुत ही यूनिक फ्लेवर देता है। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये कॉफ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन से मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप वीडियो देख के नई नई रेसिपीज़ इसी तरीके से ट्राई करते रहेंगे। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।